बेचना क्या होता है, बेचना क्या होता है, क्या होती है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो आज हम कहते हैं 10 उंगली 10 अंगूठी 10 एकदम आपके लिए लेके आए। पिज्जा आईटी हमारा ही है, बिना किराए की दुकान हमारा ही है, आज की रेट में वाईफाई ऑपरेटर हमारा ही है, मार्केटिंग विदाउट कैश हमारा ही है। तो बेसिकली अर्ली स्टडी, हम बेसिकली अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं और पिचिंग और स्विचिंग सिखाते हैं, और सबके ऊपर वीडियो बनी हुई है जी, और सबको समझाने के लिए वीडियो बनी हुई है। तो एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है कि उस आदमी को कम समझाना पड़ता है, वीडियो भेज देता है, और वीडियो से भेजने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, उसकी क्यूरीज होती है, वो बेसिकली वो अटेंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लखन सागर व्लॉग्स में। आज मैं आपको गौरव सर से मिलवाऊंगा, और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो पेपर कॉल का होने वाला है। यानी कि अगर इसका मीनिंग की बात करें तो ये कॉल सेंटर होता है, यहाँ पर आपको पर डे की कॉलिंग पे चार्जेस पे किए जाते हैं। बाकी आगे का सर हमें इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। पेपर कॉल बेसिकली हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर है, जिसपे आप सुबह कॉल करिए, शाम को पैसे ले लीजिए। जो आप ये कॉल सेंटर देख रहे हैं, ये कॉल सेंटर वो कॉल सेंटर है जिसमें कि सुबह कॉल करते हैं, शाम को पैसे। कितना 5 पेआउट डेली है, 1 रुपी पर कॉल जो भी डायल करेंगे आप, 2 रुपए इंटरेस्टेड के, मेल का एक्स्ट्रा 1 रुपी, जो मेल आप साथ साथ करते हैं उस पर आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। 200 रुपए गेस्ट मनी है। गेस्ट मनी आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपने कॉल किया और जितने लोगों को यहाँ बुलाया और उनको ये कह के बुलाया कि आपने कुछ नहीं लेना, सिर्फ टेस्ट दही, आप आइए यहाँ देखिए। 200 रुपीज गेस्ट मनी है, आपके 2 गेस्ट आए 400 रुपये वो एक्स्ट्रा है, और वो डेली पे होगा। यानी कि जो भी गेस्ट आते हैं उस चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए भी, तो भी जो उसका सर गेस्ट को बुलाना, आज किसी को टाइम सबका बिजी है, किसी को फोन करना, उसको एड्रेस भेजना, उसको फॉलो अप कॉल करना, और उसको आप कोऑर्डिनेट करके यहाँ बुला रहे हैं, तो उसके भी एफर्ट लग रहे हैं, उसका टाइम लग रहा है, इसका भी टाइम लग रहा है। बिल्कुल सर, दोनों का टाइम जाता है। तो अभी क्या है, मैं कहता हूँ पेटीएम कैशबैक देते हैं, हम कैश देते हैं। गेस्ट मनी में आज तक आपने किसी को अपने दुकानदारों का रेफरेंस दिया होगा, अपने दोस्तों को आप कहते हैं कि यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से खरीद लिया, कहीं भी किसी दुकानदार ने आपको 200 रुपए गेस्ट मनी रिवॉर्ड ही दिया होगा। हमने यहाँ पे पिछले 8 महीने से बांट रहे हैं, और बेसिकली 200 रुपए पर गेस्ट मनी वेबिनार इंसेंटिव है कि आप जिनको यहाँ फिजिकली नहीं बुला सकते, आप ऑनलाइन 4 से 5 वेबिनार होता है यहाँ पे। तो वेबिनार इंसेंटिव क्या है कि अगर आपने उसको ऑनलाइन बुलाया तो 20 रुपीज पर आदमी, जितने लोगों को आपने सुबह कॉल किया शाम को वेबिनार में बुला लिया, वो भी डेली पे आउट में आता है। मतलब आपके अगर 10 आदमी आ गए तो 200 रुपए आपके उसके। तो कहने का मतलब डेली पे आउट का मतलब डेली खर्चा, डेली कमाई, और मंथली उसका जो सेल होती है उसका 7 तारीख को उसको इंसेंटिव मिल जाता है। ये तो वो लोग हैं, ये पेपर कॉल उनके लिए है जो यहाँ बैठ के काम करना चाहते हैं, जो खुद यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ बैठ के डायलिंग करना चाहते हैं। ठीक है। अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं कॉल सेंटर खोलूं अपना या कॉल सेंटर प्रोसेस खोलूं, तो वहाँ पे पेपर कॉल हम बाहर देते नहीं है। देखिए, अगर कोई अपना भी कॉल सेंटर खोलना चाहता है तो वो अपना भी कॉल सेंटर यहाँ से खोल सकता है। सर से उसके लिए आपको क्वेरी करनी होगी, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, बाकी कॉल सेंटर में भी कॉल कर सकते। कॉल सेंटर मैक्सिमम लोग खोलना चाहते हैं, कोई 5 सीट का खोलना चाहता है, कोई 10 सीट का खोलना चाहता है, तो कॉल सेंटर जब खोलते हैं तो वहाँ पे फिक्स पे आउट है, फिक्स प्रोसेस, फिक्स पे आउट। हम प्रोसेस देंगे और पे आउट देंगे, डाटाबेस उसका होगा। ठीक है। उसका सेटअप होगा। 10,000 रुपए आपको 1 सीट का मिलेगा अगर आप 200 कॉल करते हैं, 11,000 आपको 250 कॉल का मिलेगा, और 12,000 रुपए आपको 300 कॉल का मिलेगा। तो सर ये सीट वाइज होगा, जैसे एक सीट का ये रेट है। इसके अलावा बेसिकली आपको हफ्ते में 1 दिन आना है। ठीक है। मतलब वीकली 1 दिन विजिट करना होगा यहाँ पे ऑफिस में, जो दिल्ली एनसीआर के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग, और जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं उनको नहीं आना होगा। ठीक है। हाँ, जो दिल्ली एनसीआर से बाहर है उनकी अटेंडेंस भी डेली हुआ करेगी, वहाँ पे उनको एक अपना कैमरा लगाना है ऑफिस में। ठीक है। डेली सुबह 9:30 से 10 बजे ट्रेनिंग होगी, उसकी आपको रिपोर्ट दिखानी है, उसकी आपको वीडियो भेजनी है कि डेली ट्रेनिंग हो रही है। डेली जैसे यहाँ काम हो रहा है वैसे ही वहाँ काम होगा, कोई अलग से नहीं होगा। डेली शाम को 6 से 6:30 बजे रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट का फॉर्मेट वो हमने आपको दे देंगे, उस रिपोर्ट पे आप बना के भेजेंगे, जिसमें नाम, नंबर, मेल आईडी, प्रोफेशन, ये सब लिखा होगा। आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने हैं डेली, जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके डेली ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनने चाहिए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के साथ साथ आप उनको हमारा नंबर ऐड करेंगे, आपकी गेस्ट मनी भी एक्टिवेट हो जाएगी कि आप जो यहाँ गेस्ट भेज रहे हैं उस पर आपको पैसा मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे अगर कॉल सेंटर खोला तो क्या हमें गेस्ट मनी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या हमें वेबिनार का इंसेंटिव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वेबिनार पे आप जिनको बुला रहे हैं उनका भी इंसेंटिव मिलेगा। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे कोई अपना कॉल सेंटर शुरू करना चाहता है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे? टर्म कंडीशन बड़ी सिंपल है सर, हम 5,000 रुपीज पर सीट लेते हैं साल का लाइसेंस। उसका रीजन क्या होता है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमारे एक आदमी मतलब 3 दिन तक इन्वॉल्व रहता है, और मंथली हमें रिपोर्ट भी देखनी पड़ती है। एक तरह से एक आदमी को हमें वैसे इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसकी साल की हम 1 सीट की 5,000 रुपए कॉस्ट लेते हैं। अगर 10 सीट का कॉल सेंटर है वो साल में एक बार लेते हैं। उसके दो रीजन है, क्योंकि आज की डेट में जब वो काम कर रहा होता है तो एक तरह से एक डेडिकेटेड आदमी
उसके लिए इन्वॉल्व हो जाता है, जो पूरे साल उसको सपोर्ट देता है, ऑनलाइन सपोर्ट देता है, बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है, वर्चुअल टूर कराता है, उसका कोई मतलब एक हैंड होल्डिंग देना कि कल उसका आदमी को इंटरेस्टेड है, कोई क्यूरी है, अटक रहा है, तो मतलब अल्टीमेटली बिल्कुल बिल्कुल उसको आगे से सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि रिमोटली वर्किंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक ऑनलाइन हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक फिजिकली वो यहाँ आ रहा है। बेसिकली पेपर कॉल हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर है, आज तक आपने कभी 70 साल में कोई कॉल सेंटर ऐसा नहीं देखा होगा सुबह काम को शाम को पैसे नहीं है सर, अभी तक तो हमने नहीं सुना। और सर एक क्वेश्चन मेरा और था, जैसे कोई अपना स्टार्टअप के कोई कंडीशन है ऐसी हो कि आप शहरी क्षेत्र में कर सकते हो, या देखिए कॉल सेंटर में दो चीज ही या एरिया वाइज का कुछ कंडीशन, जैसे वाली जी आपको दिखाता हूँ, एक डेस्कटॉप है, आप देख रहे हैं डेस्कटॉप, यहाँ पे एक मशीन है वो ब्लू कलर की मशीन, इसको जीएसएम गेटवे बोलते हैं जी। ये मशीन जो है इसमें सिम डले हुए हैं, ये 75,000 की मशीन आ जाती है, ये मशीन है ये आपको दिख रही है, ये इसमें सिम लगे हुए देख रहे हैं आप जी जी, इसमें 32 पोर्ट का सिम है, ये 75,000 से 80,000 की मशीन आ जाती है, और आप कहीं किसी गांव में भी अगर लगा के बैठे जी और जब कॉल हो रही है तो ये नहीं पता लगेगा आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कहने का मतलब आपकी जो कॉल है उसको मोबाइल नंबर जाएगा, लोकल का नंबर जाएगा ही, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर है, अगर आप इस काम को कहीं से भी शुरू कर सकता है, इंटरनेट कनेक्शन होना, इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप 4-in-1 मशीन लगाए प्रिंटर के साथ, आज काफी डीएससी है जिनके पास कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि बोल ज्यादा लोग आए जो कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, हेडफोन चाहिए हो, जैसे मान लीजिए कई ऐसे कॉल सेंटर है जिनके पास ऑलरेडी जगह पड़ी हुई है, जगह पड़ी हुई है, उनके पास स्पेस होता है लेकिन प्रोसेस नहीं है, उसको साथ जोड़ लें, उसके साथ गठबंधन कर लें, प्रोसेस एंड पे आउट, मैं सिर्फ दो चीज बता रहा हूँ, प्रोसेस एंड पे आउट देना हमारा काम, बाकी सारी चीजें उसकी है, एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी, अच्छा एक बार एम्प्लॉय को यहाँ लेके आए, चाहे वो कहीं का भी किसी भी शहर में कर रहा है, अगर वो एक बार एम्प्लॉय को विजिट करा देगा तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्ट पे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। प्रोडक्ट कई लोग पूछते हैं प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या होता है, बेचना क्या होता है, बेचना क्या होता है, क्या होती है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। आज हम कहते हैं 10 उंगली 10 अंगूठी 10 एकदम आपके लिए लेके आए, पिज्जा आईटी हमारा ही है, बिना किराए की दुकान हमारा ही है, आज की रेट में वाईफाई ऑपरेटर हमारा ही है, मार्केटिंग विदाउट कैश हमारा ही है, तो बेसिकली अर्ली स्टडी, हम वैसे अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं और पिचिंग और स्विचिंग सिखाते हैं, और सबके ऊपर वीडियो बनी हुई है जी, और सबको समझाने के लिए वीडियो बनी हुई है, तो एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है कि उस आदमी को कम समझाना पड़ता है, वीडियो भेज देता है, और वीडियो से भेजने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसकी क्यूरीज होती है वो बेसिकली अटेंड है। सर एक चीज और हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो आपकी फर्म का नाम है यानी कि आपके यहाँ तक अगर कोई विजिट करना चाहे तो वो किस तरीके से? सर वाई ऑफिस एंड वाईफाई ऑपरेटर दो हमारे चैनल हैं, वाई ऑफिस एंड वाईफाई ऑपरेटर्स, ठीक है, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, आप बेसिकली उस पर दे सकते हैं, जैसे आप वाई ऑफिस डालेंगे, वाई ऑफिस एंड वाई ऑपरेटर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, हमारी सारी वीडियोस आपको उस पर मिलेंगी और हमारे प्रोडक्ट्स भी उस पर मिल जाएंगे, हमारा प्रोफाइल भी उस पर मिल जाएगा, वाई फाई ऑपरेटर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का प्लेट है पीएम वाणी, ये वाई ऑफिस आप देख रहे हैं, ये सारी हमारे, इवन आपको मैं याद दिखाता हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं इस टाइप के कैबिन बना बना के हमने रेंट पे दिए हुए, जैसे आज की रेट में आप देख रहे हैं ये हमने को वर्किंग खोले हुए हैं, और यहाँ पे हमने मतलब जितने आज ऐसे बीकाजी में द्वारिका में इस टाइप से हमने बिल्डिंग बना बना के एक सीट 4,000 रुपए की, जैसे एक सीट है डेस्क है, जैसे ये जो सेट है हमने 20,000 रुपए में दिया हुआ है, ये ऐसी डेस्क जो बना बना के दी हुए हैं, किराए पे भी दी हुए हैं, मतलब जैसे ये डेस्क है ये हम रेंट पे भी देते हैं, ऐसे हमने मतलब एक रेंटिकल का बिजनेस भी है, इसकी अलग से वीडियो आपके थ्रू पे आएगी, और दोस्तों वेट करना, जितने लोग चाहते हैं कि दिल्ली में ऑफिस खोलना तो आप लखन सिंह ब्लॉग्स पे आपको नई वीडियो मिलेगी, जिसमें कि हम को वर्किंग के बारे में, डेस्क के बारे में, दिल्ली की में एड्रेस खोलिए, 12,000 में सिर्फ आपको पूरे दिल्ली में एड्रेस मिल जाए पूरे साल का, आप वर्चुअल ऑफिस डालेंगे तो हम आएंगे, आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे यूट्यूब पे तो हम आएंगे, आप बिना किराए की दुकान डालेंगे यूट्यूब पे तो हम आएंगे, और ये सारी की सारी वीडियो इस वीडियो में नहीं होंगी, ये सीरीज चलती रहेगी, उसके लिए आपको दो काम कर रहे हैं, लखन सिंह ब्लॉग देखते रहिए, लखन सागर ब्लॉग, लखन सागर ब्लॉग देखते रहिए, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट्स करने होंगे और चैनल को शेयर करना होगा, आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप लेके आते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आगे भी आते रहेंगे। तो सर व्यूवर्स के दिमाग में ना एक चीज रहती है कि अभी तक जैसे आपने अपनी फर्म का नाम सभी जानना चाहते हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया, फर्म का नाम एक बार, वीडियो वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला हुआ है हमें, उसके अलावा वाई ऑफिस भी हमारी फर्म है, जो कोवर्किंग की आप देख रहे हैं, इसमें अराउंड 120 सीट्स है, 18 केबिन है, इसको आपको शो अराउंड भी कराते हैं, ये भी हमारी फर्म है, ये कोवर्किंग कंपनी है हमारी, ठीक है, पिज्जा आईटीएम जो आप देख रहे हैं ये भी हमारी फर्म है, ये आप देख रहे हैं वो, ये इवन अभी वीडियो भी देखी होगी, ये स्टूडियो है, मैं तो आपको पहले पूरा दिखाई देता हूँ, सो डेट आपको आइडिया हो,
क्योंकि काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें घुमा के दिखाते नहीं है, और ये स्टूडियो हमारा या स्टूडियो है, क्योंकि काफी लोग वीडियो में ये कहते हैं कि हम थोड़ा खुल के नहीं दिखाया, तो हम तो खुल के सबको दिखाने को तैयार है। ये स्टूडियो है जहाँ स्टूडियो में हमारे शूट्स होते हैं, और इवन ये ट्रेनिंग रूम है हमारा, ये ट्रेनिंग रूम है जहाँ पे लोग आते हैं, पूरे ट्रेनिंग्स होती है सुबह सुबह डेली। ये हमारे लाइसेंस है, ये आपको दिख रहे हैं, ये लाइसेंस है, और ये हमारे आप इनके लाइसेंस देख सकते हैं, आपको हम लाइसेंस भी इनके दिखा रहे हैं जो इनको लाइसेंस मिले हुए हैं, अवार्ड्स वगैरह। मिस्टर गौरव जी के ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बिजनेस आई का, ये आप देख रहे हैं जो हमारा नारा है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। ये मेडल्स हैं जो हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ये अवार्ड्स है सारे, इवन आप देखेंगे तो ये सारे अवार्ड्स हैं, ये सारे अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं, ये सब हमारी परफॉर्मेंस बेस पे है। और अभी करंटली अगर देखा जाए तो अभी वाईफाई रोमिंग भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये इवन पीएम वानी लक्ष्मी वानी, ये आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें कि आज की डेट में मैं कहता हूँ कि हर आदमी जो वाईफाई इंटरनेट यूजर है वो वाईफाई सेलर बनेगा, और बेसिकली इसकी कॉलिंग सबसे ज्यादा हो रही है, और पूरे इंडिया में आज की डेट में वाईफाई क्रांति आ चुकी है। बेसिकली मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर आएं, और कॉल सेंटर जितने लोग खोलना चाहते हैं, एवरग्रीन प्रोजेक्ट है, आज की डेट में हर आदमी चाहता है कॉल सेंटर खोलना या कॉल सेंटर में काम करना सब, और मैक्सिमम लोगों की पहली जॉब भी कॉल सेंटर ही होती है, जहां से वो शुरुआत करता है अपने करियर की, जहां पे वो कम्युनिकेशन सीखता है, जहां उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। कई लोग बेसिकली मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं, बंगाली जानते हैं, मराठी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, तमिल जानते हैं, आप मतलब किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं उड़िया, तो बेसिकली प्रेफरेंस होती है हर कॉल सेंटर को कि उसको मल्टी लैंग्वेजेस लोग मिले। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉल सेंटर देख रहे हैं तो पेपर कॉल को आप वायरल करें, आप अपने दोस्तों से फीडबैक लें कि क्या आपने कोई ऐसा कॉल सेंटर देखा है आज तक जिसमें डेली पे आउट हो, तो आपको एक आंसर मिलेगा कि मैंने डेली पे आउट का कोई कॉल सेंटर नहीं देखा है। तो मैं चाहूंगा कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जो ये क्रांति आई है, उस क्रांति में आप साथ जुड़े, और सर के साथ बेसिकली जो इनका चैनल है उस पर बेसिकली आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फेसबुक पे, अपने डीपी पे, अपने स्टेटस पे इसको लगाएं। तो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं सर की नेक्स्ट वीडियो में, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम आगे भी लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।